झारखंड के देवघर में इस बार राजकीय श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर नहीं खोलने का निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा सुबह और संध्या आरती का श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन कराने की व्यवस्था की जा रही है। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्र ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बाबा वैद्यनाथ के भक्तों के लिए ऑनलाइन पूजा की जगह ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और श्रद्धालुओं की विश्रामणी मेले के आयोजन को इस वर्ष भी स्थगित रखा गया है। ऑनलाइन पूजा पर पुरोहित समाज का विरोध। जी हाँ, बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि ऐसे में श्रद्धालुओं की आस्था और सुविधा को देखते हुए श्रावण माह में ऑनलाइन वर्चुअल दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। इससे पहले ऑनलाइन पूजा और दर्शन की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा, लेकिन स्थानीय पुरोहित समाज द्वारा इसका विरोध किए जाने पर ऑनलाइन पूजा का निर्णय वापस ले लिया गया। उपायुक्त ने बताया कि लोगों को सावन में देवघर नहीं पहुंचने का आग्रह किया जा रहा है। इसके लिए सड़क मार्ग से देवघर पहुंचने के रास्ते पर भी बैरिकेडिंग की जा रही है। रेलवे अधिकारियों से भी सहयोग लिया जा रहा है। बीते 2 वर्ष से कांवड़ यात्रा बंद है। अलग अलग राज्यों समेत नेपाल और अंतर्राष्ट्रीय कांवड़ यात्रा भी यहाँ आते हैं। लगभग 40 से 50 लाख कांवड़ यात्रा प्रत्येक वर्ष यहां स्पर्श पूजा किया करते। जब ऑनलाइन पूजा की व्यवस्था शुरू करने की चर्चा चली तो उसका पांडा समाज ने विरोध किया। यहां स्पर्श पूजा की परंपरा है, लिहाजा भक्तों की भावनाओं का ख्याल रखकर वर्चुअल दर्शन की व्यवस्था की जा रही है, यानी ऑनलाइन दर्शन होंगे, पूजा नहीं। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट स्पेशल रिपोर्ट।